ध्यान दो भाई, आप यहां से ऐसा लिख देना इसको, 0 से 1 टेन इनवर्स एक्स डीएक्स प्लस 0 से 1 टेन इनवर्स माइनस कॉमन ले लेना तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसा करना इसको ना, ये आ जाएगा हमारे पास 0 से 1 टेन इनवर्स एक्स डीएक्स और फिर ये टेन इनवर्स माइनस एक्स हो गया तो ये माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स डीएक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देना। अब यहां यूज कीजिए यूजिंग P4 आप यूज करोगे 0 to 1 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स डी एक्स माइनस 0 to 1 टेन इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस एक्स, ये ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब इस साइड क्या आएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से 1 फिर टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स और ये डीएक्स, फिर माइनस 0 to 1 टेन इनवर्स 1 माइनस 1 और प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा हमारे पास, 0 to 1 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स डीएक्स है, 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना आप। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड करोगे क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स प्लस 0 to 1 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स। यहां प्लस थोड़ी था, माइनस था, यहां पर माइनस था ना भाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख लीजिए आप, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहां आप माइनस कीजिए और डीएक्स फिर माइनस है, प्लस है फिर, है ना। 0 to 1 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स डीएक्स माइनस आ जाएगा यहां पर, माइनस 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स डीएक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू 0 हो गया। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। करना लिमिट क्या दिया हुआ इसका, 0 to π/2 है और साइन क्यूब एक्स डीएक्स है। आपको प्रूव क्या करना था इसमें, प्रूव दैट 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स डीएक्स इक्वल टू कितना है, 2/3 इक्वल टू 2/3 है। तो आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट, यहां से आपने क्या टेकिंग LHS, आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स भाई, क्यूब को मैंने स्क्वायर में तोड़ लिया, मैं साइन क्यूब एक्स को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, इसके बाद में क्या आएगा, 0 to π/2 लिमिट है, साइन स्क्वायर की जगह आप यूज करोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स
इंटू साइन एक्स डीएक्स। अब यहां मान लेना, माना कोस एक्स इक्वल टू टी, कोस का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू डी टी, और साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो पर टी इक्वल टू क्या आएगा वन, और एक्स इक्वल टू पाई बाय टू पर टी इक्वल टू क्या आएगा जीरो। रख दीजिए इसमें आप ये कंसेप्ट, तो लिखोगे अब इंटीग्रेशन इज इक्वल टू बाय लिमिट तो आपकी क्या आई वन से जीरो माइनस वन माइनस टी स्क्वायर और डी टी। अब ध्यान दो बेटा, माइनस को उठाएंगे तो लिमिट इंटरचेंज, वन माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसका आप क्या कर लोगे, इंटीग्रेशन कर लेना। तो इंटीग्रेशन करोगे तो आप डायरेक्ट लिख दो इसका इंटीग्रेशन, आप लिखना चाहो तो टी माइनस टी क्यू बाय थ्री जीरो टू वन लिमिट भाई, ये डी टी हो जाएगा, डी टी का टी, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई थ्री। लिमिट अप्लाई कर दो क्या आएगा भाई, वन माइनस वन क्यूब बाई थ्री माइनस जीरो प्लस जीरो क्यूब बाई थ्री। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू टू बाई थ्री, आर एच एस आ गया, हैंस प्रूव्ड। ये आप लोगों को ऐसे करना है, ठीक है ना, केवल देख लीजिए इसको, नोट नहीं करना आप लोगों को, समझ लीजिए इसे बस। देखिए भाई 26 में इंटीग्रेशन है लिमिट 0 टू पाई बाय 4, आपको गिवन है साइन एक्स इंटू कोस एक्स डीएक्स और अपॉन में दिया हुआ है साइन एक्स टू दी पावर 4 प्लस कोस एक्स टू दी पावर 4। यह आपको यहां से क्या है गिवन है, तो आप यहां से क्या करोगे ध्यान देना, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू जीरो से पाई बाय फोर एज इट, और आप यहां से क्या लिखोगे बताइए। जैसे मान लीजिए आप ये साइन एक्स इंटू कोस एक्स डीएक्स तो एजिट रखना, ठीक है ना, यहां लिख देना साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहां लिख देना भाई क्या कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां से ध्यान देना, यहां से आपको क्या करना है मान लेना है, माना साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी, डिफ्रेंसिएशन करोगे टू साइन एक्स कोस एक्स डीएक्स बराबर टू मल्टीप्लाई में नहीं है, तो साइन एक्स कोस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू वन बाई टू डी टी। लिमिट भी चेंज कर लो भाई इसकी, क्या करोगे इसकी लिमिट भी आपको चेंज करनी है, तो लिमिट चेंज करोगे तो आप लिखना एक्स इक्वल टू जीरो पर टी इक्वल टू क्या है भाई जीरो, एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर पर टी इक्वल टू क्या आएगा पाई बाय फोर का वैल्यू वन बाय टू होता है क्या, वन बाय रूट टू होता है, तो वन बाय टू आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन में सबसे पहले लिमिट लिखो, लिमिट जीरो से वन बाई टू, वन बाई टू बार डी टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस, इसको भी चेंज कर लो कोस स्क्वायर को, क्या लिखें वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया बेटा, तो वन बाई टू जीरो से वन बाई टू डी टी बटे में क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन कर लीजिए एक बार,
वन बाय टू जीरो टू वन बाय टू डी टी। भाई यहां तक कोई डाउट है? टी टू द स्क्वायर प्लस वन प्लस टी टू द पावर फोर, और फिर प्लस का वन और माइनस का टू टी। अब इसको आप आसानी से कर सकते हो आगे। क्या होगा? में क्या जाएगा? टू टी का स्क्वायर प्लस टू माइनस टू टी। टू यहां से बाहर ले लो, क्या जाएगा? वन बाई फोर जीरो टू वन बाई टू डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा भाई? टी स्क्वायर माइनस का टू टी और प्लस का पूर्ण वर्ग यूज कर लें। यही स्क्वायर ही बन रहा डायरेक्टली, तो किसका बन रहा स्क्वायर? टी बाहर आ गया क्या? तो अब यहां पर पूर्ण वर्ग लगा दो फिर आप। पूर्ण वर्ग विधि से परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज कर लो आप यहां पर। परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है भाई, ध्यान दो। जीरो टू वन बाय टू डी टी टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। एक्स टी का मल्टीप्लाई क्या है? वन का हाफ, वन बाय फोर प्लस कर दो और वन बाय फोर माइनस कर दो। क्या आएगा? वन बाय फोर लिमिट जीरो टू वन बाय टू डी टी। तो क्या किसका होल स्क्वायर बने गए? माइनस आ रहा है तो टी माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और वन माइनस फोर बाई थ्री, थ्री बाई फोर हो गया। इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, क्या आएगा? वन बाई फोर लिमिट जीरो टू वन बाई टू डी टी अपॉन में टी माइनस वन बाई टू टू द स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। अब इसको आगे आप कर लेना, मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू पाई बाय टू है, क्या दिया हुआ? कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स है ना, पहले कोस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। कोस स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन स्क्वायर एक्स, यही तो है। आप क्या करोगे? अंश व हर को कोस एक्स की पावर चार से भाग देने पर भाग दोगे क्या आएगा भाई, ध्यान दो। जीरो से पाई बाय टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस एक्स टू दी पावर फोर कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस एक्स टू दी पावर फोर प्लस फोर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस टू दी पावर फोर। सोल्व कर लो भाई, इससे क्या आएगा ध्यान दो। ऊपर तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जीरो टू पाई बाय टू, नीचे क्या हो गया? ये भी सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा? फोर
टेन स्क्वायर एक्स और एक स्क्वायर एक्स, ये बनेगा। अब यहां पर ध्यान देना, अब क्या करोगे, दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, ये बाहर ले लें तो क्या आएगा भाई, ध्यान दो, जीरो से पाई बाय टू, हाँ भाई सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, यहां से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, वन प्लस फोर टेन स्क्वायर एक्स हो गया, ये कैंसिल हो गया क्या, क्या बचा भाई, जीरो से पाई बाय टू डीएक्स बटे में वन प्लस से क्या लिखे बताओ, फोर टेन स्क्वायर एक्स, ऐसे कैसे लिख दो आप एक बार, ठीक है बेटा। अब क्या बनाओगे इसको बताओ, क्या करें भाई, ये फोर भी बाहर ले लो, जीरो से पाई बाय टू और डीएक्स, हाँ अरे वन प्लस टू एक्स तो कर दोगे, लेकिन ऊपर क्या दिखाई दे रहा आपको, है क्या ऊपर, है कुछ दिखाई दे रहा है क्या ऊपर, जो आप ऐसे बोल रहे हो, ऊपर सेक होता तो आप प्रतिस्थापन करते इसका, या एक काम कर लो, चलो इसको ऐसे लिख दो, टू टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना, और टू टेन एक्स इक्वल टू क्या ले लोगे, टी टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, और यहां से ध्यान देना भाई, सेक स्क्वायर आपके पास है नहीं उसमें, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन में टू सेक स्क्वायर एक्स डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो वन बाई टू इंटू वन अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, आप टेन का वैल्यू रख देना यहां से और फिर इसको कर लेना आप, ठीक है ना, कर लीजिए नोट। क्या है लिमिट, क्या दिया हुआ है पाई बाय सिक्स से, और ऊपर दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, अपोन में क्या दिया हुआ है रूट साइन टू एक्स दिया हुआ है, आप यहां क्या करोगे, पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री का लिमिट है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स है, हाँ भाई जो रूट में जो साइन टू एक्स दिया हुआ था उसके अंदर आप ये मान लेना साइन टू एक्स प्लस वन और माइनस वन मान लेना, मान लिया बेटा यहां से, इसके बाद में आप इसको लिख देना पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, और रूट में समझ गए भाई यहां तक, अब यहां जो प्लस वाला है तो बाहर ले लो, उसमें ले लो वन माइनस साइन टू एक्स, इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, प्लस का वन मैंने यहां ले लिया बाहर, इसमें और इसमें माइनस कॉमन ले लिया, अब इसको आप फॉर्मूले की तरह जनरेट करें, पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, हाँ बेटा वन की जगह सर्वसम्मी का यूज कर लो, ये वन तो ऐसे कैसे रखना, और अंदर साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू साइन एक्स, सॉरी एक्स एक्स ही कर दो, एक्स बाय टू नहीं, और यहां पर टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो इसे, तो क्या आएगा पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री इसका लिमिट हो गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स हो गया, वन माइनस किसका होल स्क्वायर बन रहा है,
ये हावे किसका बनता है, यहां पर लिखना कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसको टी मानोगे, क्या मानोगे इसको भाई, मान लेना माना कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर टी, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन का कोस एक्स, और डीएक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेना साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी टी, लिमिट चेंज कर लेना, ये पोर्शन बन रहा ऊपर, तो डी टी बटे में क्या आ जाएगा, रूट वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से करना है, कर लोगे। अब ये जो तीसवा क्वेश्चन है ना, तीसवा भी इसी से मिलता जुलता, सुन लो कैसे करो, तीसवा तीस का क्वेश्चन जो सेम इसी तरह से ऊपर साइन एक्स कोस एक्स दिया हुआ है प्लस में,